हे गाइस, कैसे हो आप सर? दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको एचटीएमएल को लेकर बहुत ही बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप इन फ्यूचर वेब डेवलपमेंट करने की सोच रहे हो और अगर आपको अभी तक एचटीएमएल के बारे में कुछ नहीं पता है तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप एचटीएमएल को लेकर फुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैं बाकी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज को अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ और ये मेरा खुद पर भी बिलीफ है कि मैं इस ट्यूटोरियल को ऐसे बनाऊंगा कि इस ट्यूटोरियल को आखिर तक देखने के बाद आप एचटीएमएल को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई मैं आप बोल सकते हो कि भाई मैं एचटीएमएल में कोडिंग कर सकता हूँ, मैं एक एचटीएमएल फाइल खुद से लिख सकता हूँ, ये आप कह सकते हो एकदम सीना ठोक के। ये मैं आपको कह सकता हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है, अगर आपको एचटीएमएल में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो और ये एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ईजी वे में सिखाऊंगा। मैं आपको जो चीज़ एचटीएमएल में 90% टाइम इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। इसलिए क्या होगा कि आप आसानी से नहीं भूलोगे और जो चीज़ आपको मैं आपको क्या बोला कि 90% टाइम हम लोग जो चीज़ को इस्तेमाल करते हैं मैं आपको वही सिखा दूंगा। इससे क्या होगा कि आप जो चीज़ को फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करोगे, अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख लो तो भाई उस चीज़ को ही आप आखिर में जाकर प्रैक्टिस करना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, सही बात है ना। और मैं आपको इस ट्यूटोरियल पे पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप देख देख के सीखोगे तो आपका जो फंडा है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये जो ट्यूटोरियल है मैं बेसिकली वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि बिगिनर्स है और जो फ्यूचर में जाके अपने खुद का वर्डप्रेस साइट को शायद मॉडिफाई करना चाहता है या फिर बाद में जाके वर्डप्रेस डेवलपर में एंट्री करना चाहता है तो उन लोग के लिए भी ट्यूटोरियल है, एकदम बेसिक लेवल बिगिनर लेवल का ट्यूटोरियल है। क्योंकि मैं बैक में जाके मतलब इन फ्यूचर में इसका CSS पार्ट बनाऊंगा और उसके बाद मैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन पर चला जाऊंगा जहाँ पर मैं वर्डप्रेस को मतलब मैनुअली अब थीम और जो स्टाइल्स वगैरह उसको मैनुअली एडिट करके कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो कोई प्लगइन्स के बिना ही, ठीक है। तो ये उसका शुरुआती जो ट्यूटोरियल है वो होगा जहाँ पर मैं आपको एचटीएमएल के बारे में सिखाऊंगा। तो ये जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है, वर्डप्रेस का वेबसाइट नहीं है तो भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक प्रैक्टिकल लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा तब, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पर जो चीज़ें चलते हैं वो कैसे चलता है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर जो एचटीएमएल का फंडा रहता है वो हम आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो चलो, बहुत बातें हो गई, अब वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा। तो मेरे ब्राउजर यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं हम लोग। मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो इसका आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग का वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो चीज़ें ये भी थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो ये जो सभी चीज़ें, ये जो एक बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ही हम लोग एचटीएमएल से बनाते हैं। और उसके बाद ये जो स्टाइलिंग्स वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक थोड़ा ये ग्रीन कलर का है, यहाँ पर थोड़ा ग्रीन लाइट कलर का है, ठीक है ना। तो ये जो स्टाइलिंग्स है ये यहाँ पर एक बॉर्डर किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसके पीछे एक मतलब बैकग्राउंड जैसा है, ठीक है ना, बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसके पीछे आप देख सकते हो शैडो भी है। तो ये जो स्टाइलिंग्स वगैरह है ये स्टाइलिंग्स हम लोग CSS में करते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो स्केलेटन है इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हम लोग HTML पे करते हैं, ठीक है। और आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसका जो व्यू पेज सोर्स करता हूँ अगर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो बेसिकली होगा सभी HTML पे होगा, ठीक है। मुझे पता है कि आपको अभी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन टेंशन करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है HTML, ठीक है। और जब मैं इसको क्लोज करूंगा यहाँ पर तो भी आप देखना यहाँ पर लिखा होगा HTML, ठीक है। आपको ये अभी समझना नहीं है कि भाई ये क्या है, मैं आपको बहुत समझाऊंगा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल वेबसाइट में भी यही होता है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट को ढूंढ लो, बस राइट क्लिक करके यहाँ पर आप व्यू पेज सोर्स में करना तो आप देखना कि वो एक HTML फाइल ही होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है, ठीक है, बस जो फाइल होगा वो HTML पे होगा। और जब किसी ब्राउजर में आप इसको ऑफलाइन सेव करते हो तो बेसिकली वो ये HTML का कोड्स जो है इसको ही सेव करता है, ठीक है। और ये सेम चीज़ अगर मैं किसी भी दूसरे वेबसाइट में करूँगा तो सेम चीज़ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसका भी व्यू पेज सोर्स देखूंगा तो आप देख सकते हो ये भी एक बेसिकली एक HTML पेज ही है, इसका आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है HTML, ठीक है। अब मैं ये सभी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अभी सोच रहे हो कि भाई इतना सारा जो कोडिंग है प्रोग्राम से, तो शायद HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा क्योंकि ये तो एक वेबसाइट चला रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, HTML का जो फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है जो ML है इसका फुल फॉर्म ये है मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और दोनों में डिफरेंस क्या है
कि मान लो आपका जो मोबाइल पर जो एप्लीकेशन वगैरह चलता है, ठीक है ना, तो वो एप्लीकेशन जिससे बनाया जाता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस ये समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, वो कैलकुलेटिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना, एक प्रोग्राम है वो एप्लीकेशन है। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। और नॉर्मली जो हाइपर टेक्स्ट मतलब मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ये बेसिकली कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए बनाया जाता है। मतलब मान लो एक डॉक्यूमेंट को आप कहीं पर शो करोगे ऑनलाइन पर, तब आपको ऐसे मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई मार्कअप लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो ये जो HTML है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो किसके लिए काम में आता है, कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मतलब पैराग्राफ, ये जो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइंस वगैरह है, ठीक है ना, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा डॉक्यूमेंट्स को शो करवाने के लिए HTML लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ कि HTML जो जो फाइल होता है, ठीक है, वो दिखने में कैसा होता है। बेसिकली कोई भी फाइल अगर उसके पीछे आप .html लगा दो, ठीक है ना, तो वो HTML फाइल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू फाइल को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, न्यू, एक मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं कर देता हूँ सैम्पल और ट्यूटोरियल HTML, ट्यूटोरियल HTML, ओके, सॉरी, ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी ऐसा रखूंगा, इसको ओपन करूंगा, तो भाई ये टेक्स्ट फाइल पे ओपन होगा, ठीक है ना। देखो आप देख सकते हो नोटपैड पे ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं इसका जो एक्सटेंशन है इसको अगर मैं रीनेम करके यहाँ पर चेंज कर दूँ, ट्यूटोरियल डॉट यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ .html, ठीक है। मैं एंटर दबा रहा हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा कि भाई क्या तुम श्योर चेंज करना चाहते हो? हाँ भाई, मैं इसको HTML में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर मेरा ब्राउजर का लोगो आ गया, ठीक है, क्योंकि ये अभी एक HTML फाइल बन चुका है और इस पे मैं इसको मैं अभी अपने ब्राउजर से ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि पहले बार जो आपने देखा था वो नोटपैड से ओपन होता है, वो हो रहा था, ठीक है ना। अगर मैं अब इसको ओपन करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये मेरे ब्राउजर से ओपन होगा। देखो यहाँ पर देख, नहीं ओपन होगा, थोड़ा स्लो है मेरा लैपटॉप, जिसका आप देख सकते हो। यहाँ पर आप इसका जो URL है वो भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है फाइल सी यूजर्स डेस्कटॉप। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। यहाँ पर मैंने आपको तब दिखा था इसके अंदर कितना सारा कोडिंग्स था जब मैंने इसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाया, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं व्यू सोर्स पे आता हूँ तो कितना सारा यहाँ पर कोड किया हुआ था, आप मैंने आपको तब दिखाया था कितना सारा कोड किया हुआ है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर कुछ कोड ही नहीं किया, तो भाई ये दिखाएगा क्या, इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को या तो आप नोट एडिटर से भी लिख सकते हो, नोटपैड से भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास एक अच्छा एडिटर है तो मैं उससे इसको लिखूंगा, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पर एक VS कोड एडिटर है। इससे क्या होता है कि आप मतलब लिख सकते हो, आप नोटपैड से भी लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सजेशंस वगैरह दे देता है, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग लाइन पे हो, तो आपको ये कोड एडिटर क्या होता है कि आपको पता होगा, कोड एडिटर कैन एडिट द कोड्स, और ये आपको लिखने में सहायता करता है कोड्स को, ठीक है। तो बेसिकली यही है, होता है कोड एडिटर, इसलिए इसका नाम है एडिटर, कोड एडिटर। जैसे कि आप फोटो एडिट करते हो ना, वो क्या करते हैं, फोटो को एडिट करता है, या फिर आप फोटो को मार्च कर सकते हो, कोलाज वगैरह कर सकते हो, बेसिकली ये भी वही ऐसा ही काम करता है, कोड को एडिट वगैरह करता है, ठीक है, ये जो कोड एडिटर होता है। ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर होता है, जैसे कि सबलाइम भी होता है, बहुत से लोग सबलाइम भी इस्तेमाल करते हैं। मैं भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मेंटेन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर खोल कर रखा था, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग HTML ट्यूटोरियल जो फाइल क्रिएट किया था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, एकदम टोटली ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है अनेबल टू ओपन सैम्पल डॉट एच टी एम एल, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले दूसरा फाइल किया हुआ था जो को मैंने आपको सामने डिलीट कर दिया था, तो वो बोल रहा है कि भाई वो फाइल तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके अंदर कुछ कोड्स लिखूंगा। अब ये जो कोड एडिटर है इसमें कुछ जादू है, मैं आपको वो समझाऊंगा अभी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हो डॉक्यूमेंट HTML, ठीक है, ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली लिख देता है, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो HTML सैम्पल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा
और ऑटोमेटिकली ये जो चीज है इसको जनरेट करके दे देगा। तो अब मेरा ये जो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि बोलता है कि भाई आपका जो वेबसाइट है आप इसमें आप कुछ टाइप वगैरह या फिर कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ना ऑटो सेव ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे कुछ एड करूंगा एक कोड एडिटर उसको ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे मैनुअली इसको सेव नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे फाइल में जाके इसको सेव करना पड़ता था ऐसे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सेव कर देगा और जब मैं इसको इसके अंदर ओपन करूंगा, क्योंकि ये पहले से ओपन किया हुआ था, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तब मुझे यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं किया, यहाँ पर ये जो चीज है ये चेंज हो गया, ये अभी पेज टाइटल दिखा रहा है जो कि पहले नहीं दिखा रहा था। और जब मैं इसको अभी यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, सॉरी पेज सोर्स में जाना था मुझे, पेज सोर्स, तो अब यहाँ पर देखो वो फाइल्स यहाँ पर दिखाएगा। देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था वो सब यहाँ पर अभी दिखा रहा है। अगर मैं इसको फिर से रिमूव कर दूं वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर कुछ दिखा भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो यही बात है, तो मैं फिर से इसको यहाँ पर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कैसे काम करता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हो यह वो कोड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्लैंक है, ठीक है। क्यों ब्लैंक है अब मैं आपको वो समझाऊंगा यहाँ पर। तो अब चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सारे कोड थे इसी के लिए ही हम लोग आगे जाके HTML को लिख पाएंगे अपने वेबसाइट पे। तो ये जो पहला लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक टाइप HTML, तो बहुत सिंपल सा मतलब है, ये बता रहा है कि भाई ये जो चीज है ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब HTML टाइप डॉक्यूमेंट है। तो या फिर आप बोलते हो HTML फाइल है, ठीक है, सेम चीज ही है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है HTML और उसके आगे पीछे एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एक जब हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें कुछ ऐसे ही पैटर्न्स का होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको टैग्स कहा जाता है, और ये जो HTML फाइल होते हैं यहाँ पर आप मल्टीपल टैग्स इस्तेमाल करके अपना HTML फाइल को डेवलप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि HTML का एक चीज यहाँ पर है और वही सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन एक ही यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ पर एक ऐसे स्लैश दिया हुआ है, तो बेसिकली इसको कहा जाता है स्टार्टिंग टैग और इसको कहा जाता है एंडिंग टैग, ठीक है। और जो इतने सारे कंटेंट्स होता है वो इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। आपको जिस टैग्स के लिए कुछ लिखना होगा आपको उस टैग्स के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के बीच ही वो चीज को लिखना पड़ेगा, मैं आपको वो आगे जाकर समझाऊंगा। तो ये जो आप जितने सारे टैग्स आप HTML फाइल के लिए लिखोगे वो सभी टैग्स आपका ये जो HTML टैग है उसके अंदर होगा, ठीक है। मतलब HTML में मैं आपको क्या बता रहा कि यहाँ पर बहुत सारे टैग्स लिखा हो जाता है, लेकिन जितने सारे टैग्स आप लिखोगे वो सभी ध्यान से रखना, ये ध्यान से समझना, वो सभी टैग्स HTML टैग्स के बीच ही होगा। ये आप मान लो कि ये पैरेंट टैग है और जो जितने सारे जो अदर्स टैग है वो HTML टैग के बीच ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है कि हेड, ठीक है, आप देख सकते हो हेड टैग, ठीक है। तो भाई ये हेड टैग का काम क्या है, ये बेसिकली हम लोग को जो HTML फाइल है उस फाइल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये फाइल्स के अगर कुछ अदर्स फाइल के साथ कुछ डिपेंडेंसीज है तो वो भी ये मैनेज करता है, ठीक है। तो ये जो अब मान लो कि ये जो फाइल है ये हम जो जो फाइल को एडिट कर रहे हैं उस HTML फाइल का मान लो सर है, मतलब ब्रेन है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है कि ये फाइल किसकी के साथ कुछ डिपेंडेंसीज है या फिर इस फाइल का क्या मतलब क्या प्रॉपर्टीज है, वो सभी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मान लो ये एक UTF-8 टाइप का कैरेक्टर जो फाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको ध्यान में रख के समझना है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल लिखा हुआ है पेज टाइटल, ठीक है। यही वो रीजन है क्योंकि हम लोग को यहाँ पर पेज टाइटल दिख रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि HTML ट्यूटोरियल, तो आप देखना कि ये भी यहाँ पर चेंज हो गया। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो ये चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यही है वो टाइटल टैग जिसके लिए एक HTML फाइल का कुछ टाइटल दिखाता है उसके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हो, मान लो आप फेसबुक ओपन कर रहे हो या फिर आप अमेजोन ओपन कर रहे हो, तो ऊपर आपको एक टाइटल दिखेगा और वो डेफिनेटली उस मतलब उस पेज का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ठीक है, इन इंडिया,
तो अगर मैं इसका यहाँ पर ऐसे करके राइट क्लिक करके इसका अगर मैं देखूँ सोर्स कोड कहाँ आ गया, इंस्पेक्ट एलिमेंट पेज सोर्स, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं इसका टाइटल टैग आपको ओपन करके दिखाऊँ तो वहाँ पर डेफिनेटली ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये कहाँ पर है। अगर मैं इसको कंट्रोल एफ करता हूँ और यहाँ पर टाइटल ढूंढता हूँ, इसमें बहुत सारे टाइटल्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट, तो मैं इसको ही कॉपी करके ओपन करके देखता हूँ, ऑनलाइन SHOPPING, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, ये टाइटल के अंदर ही होगा, जिसका आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया, ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे करके होल्ड करके तो आप देख सकते हो ये पूरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यहीं से आ रहा था, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों के केस में यहाँ पर हम लोगों ने लिखा HTML ट्यूटोरियल और ये यहाँ पर दिखा रहा है HTML ट्यूटोरियल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद में आता है व्यू पोर्ट। तो भाई ये व्यू पोर्ट बताती है कि भाई आपका जो वेबसाइट है वो कितना व्यू पे ओपन होगा, मतलब कितना स्पेस पे वो ओपन होगा। मान लो आप अपना वेबसाइट को डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हो, तब थोड़ा उसका व्यू बड़ा हुआ, क्योंकि जो डेस्कटॉप होता है उसका स्क्रीन का साइज बड़ा होता है। लेकिन उस सेम वेबसाइट को जब आप मोबाइल पे ओपन करोगे तब उसका व्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका व्यूइंग जो साइज है वो छोटा है। तो यही इंफॉर्मेशन ये आपके वेबसाइट को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि स्टाइल सी CSS टाइप एंड मीडिया, क्योंकि स्क्रीन है, और यहाँ पर कुछ HREF के अंदर कुछ यहाँ पर .css लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ट्यूटोरियल स्टार्ट होने से पहले ही बताया कि HTML क्या काम करता है, एक जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन CSS क्या काम करता है, उसको और भी ज़्यादा जो कस्टमाइजेशन वगैरह, जो स्टाइलिंग्स है, जो कलर्स वगैरह है, वो ये CSS हैंडल करता है। मान लो आपका शरीर का जो पूरा कंकाल है वो HTML है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका जो मसल्स है, उसके बाद उसका आपका जो स्किन है, उसका कलर कैसा होगा, ठीक है, आपका मसल्स कितना स्ट्रांग होगा, कितना बाहर दिखेगा, वो ये जो यही तो एक ह्यूमन का जो स्टाइल है वो कैसे दिखेगा, वो तो उसका मसल्स एंड उसका स्किन ही डिफाइन करता है ना। स्केलेटन तो उतना ज़्यादा डिफाइन नहीं करता है। तो ये स्केलेटन आप मान लो कि HTML है, और उसके ऊपर जो मसल्स एंड स्किन है वो है CSS, ठीक है। CSS की वजह से ही एक वेबसाइट दिखने में अच्छा लगती है। और HTML क्या काम करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है, मतलब वो दिखाता है, ठीक है। तो ये फाइल उसी का ही है, मतलब मान लो कि बाद में जाके कि हम लोग इस HTML फाइल में कुछ स्टाइलिंग्स वगैरह ऐड करेंगे, तो तब वो स्टाइलिंग्स कहाँ पर होगा, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि ये a.html फाइल है। तो जब मैं एक स्टाइल्स ऐड करूंगा तब हम लोग को CSS इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तब हम लोग को एक और CSS फाइल लेना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग को CSS का कोडिंग करना पड़ेगा। तो तब ये हेड सेक्शन बता देगा कि भाई देखो तुमको जो स्टाइल्स लेना है ना, वो स्टाइल्स का फाइल यहाँ पर है, तो यहाँ पर उस स्टाइल्स का URL आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो HREF ये एक टैग है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बता भी दिया है ये कि स्पेसिफाइज द URL ऑफ द लिंक रिसोर्स। तो ये क्या काम करता है, वो हम लोग ए टैग पे भी हम लोग आएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली HREF के अंदर आपका जो URL है, जहाँ से आप मान लो आप किसी इमेज को ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इमेज का URL आएगा, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि किसी दूसरे पेज को आप ओपन करना चाहते हो तब यहाँ पर उसका URL आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग को URL देना पड़ता है। अब मोटा मोटा आप यही समझ लो। उसके बाद स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शायद स्क्रिप्ट भी बाद में जाके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या भी एक लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग कुछ स्क्रिप्टिंग कोड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो तब हम लोग को उसके लिए भी एक अलग से फाइल बनाना पड़ेगा, और तब इस फाइल को HTML फाइल को बताना पड़ेगा कि भाई आप जो स्क्रिप्ट चलाना चाहते हो वो स्क्रिप्ट एक्चुअली कहाँ पर है, वो तो बताना पड़ेगा ना इस HTML फाइल को, नहीं तो वो HTML फाइल पहचानेगा ऐसे कि भाई ये काम करने के लिए जो स्क्रिप्ट मुझे चाहिए वो कहाँ पर है, वो लिखा कहाँ पर है। क्योंकि HTML पर तो आप स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, लेकिन मान लो कि आप स्क्रिप्ट के लिए अलग से फाइल बनाए हो, ठीक है ना, तो तब आपको तो बताना पड़ेगा ना इस HTML फाइल को, नहीं तो वो तो ढूंढता रहेगा कि भाई चल क्यों नहीं रहा, ये स्क्रिप्ट लिखा ही कहाँ पर है। तो तब आपको उसका URL यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है SRC भी ये काम करता है कि ये बता देता है कि भाई आपका जो फाइल है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी
UIL का सोर्स देने के लिए काम में आता है। तो बेसिकली आपको ये यहाँ पर पता चल चुका होगा कि ये जो हेड सेक्शन के अंदर है बेसिकली इस HTML फाइल्स को लेकर ही कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, जो कि HTML फाइल को चलाने के लिए काम में आएगा। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि HTML फाइल का प्रॉपर्टीज चीज़ों को हैंडल करता है। तो यहाँ पर इसका हेड सेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है बॉडी। यही HTML फाइल का सबसे मेन पार्ट है। आप एक वेबसाइट के अंदर जितने सारे चीजें देखते हो ये सभी इस बॉडी के अंदर ही आता है, ठीक है ना। आप एक पिक्चर देख रहे हो, किसी कुछ लिखा हुआ है वो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो सभी इस बॉडी के अंदर आएगा। इसीलिए ये बॉडी बहुत ही सारा जरूरी, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप अगर बॉडी के ऊपर कुछ लिख दोगे तो भाई वो दिखेगा नहीं। जितने सारे चीजें होगा वो सभी बॉडी के अंदर ही आएगा, चाहे वो नेविगेशन मेनू हो, हेडर हो, फुटर हो, कुछ भी हो, एक पोस्ट या आर्टिकल है, कुछ भी हो, वो सभी इस बॉडी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। और बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रहा है, जिसके आपको बताया कि एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, ठीक है, और ये उसके बाद HTML का एंडिंग टैग है। तो जितने सारे हम लोग कोड्स लिखेंगे वो हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ स्पेस दबा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखना चालू करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो जो HTML टैग्स आपका 90% टाइम काम में आएगा वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स है वो है हेडिंग टैग्स, ठीक है। अब हेडिंग टैग्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इसके अब यहाँ पर मैं एक यहाँ पर से एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो रैंडमली मैंने एक आर्टिकल को यहाँ से ओपन कर लिया है, तो ये ओपन हो रहा है। तो ये एक आर्टिकल है, ठीक है, मतलब पोस्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एक हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद भी मैंने एक हेडिंग दिया है, बहुत सारी यहाँ पर ये भी एक हेडिंग है, ठीक है। अब किसी भी रैंडमली किसी भी वेबसाइट में जाओ जहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर आपको ऐसे हेडिंग्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने हेडिंग्स को थोड़ा स्टाइलिंग करके रखा हुआ है, शायद वहाँ पर स्टाइलिंग हो भी नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक हेडिंग है जिसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ये इंस्पेक्ट चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये बेसिकली क्या काम करता है, मैंने जो यहाँ पर आपको दिखा ना सोर्स कोड को लेकर, ये बेसिकली यहाँ पर वो सोर्स कोड ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक एरो मिलता है जिससे क्या होगा वो डायरेक्टली हम लोग को इस चीज़ के ऊपर ही लेकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बता रहे कि भाई ये H2 टैग है। तो बेसिकली हेडिंग में भी हम लोग को H1 से लेकर H6 तक ये 6 टैग्स देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सभी टैग्स का अलग अलग फंक्शन है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। H1 जो टैग है वो बेसिकली एक आर्टिकल या फिर पोस्ट का हेडिंग होता है। तो ये जो चीज आप देख सकते हो लिखा हुआ है ये H1 टैग पे होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हो ये H1 टैग पे लिखा हुआ है। तो किसी भी पोस्ट का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होता है, मतलब वो पूरा पेज जिसके बारे में है, ठीक है, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, उसे हम लोग H1 टैग पे लिखते हैं। उसके बाद उस लाइन के अंदर जो कैटेगरीज आता है, मेन कैटेगरीज, ठीक है, जो वो मतलब उस टाइटल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है, या फिर आप बोल सकते हो हेडिंग होता है, ठीक है, एक पेज का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो उसको हम लोग H1 टैग पे लिखेंगे। उसके बाद उससे थोड़ा कम जो इम्पोर्टेंट है, मतलब सेकेंडरी कैटेगरी में जो आता है, उसको हम लोग H2 टैग पे लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर जो कैटेगरीज आएगा, ठीक है, H2 के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देखो ये कलर से आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आप देखो कि ये जो इसका फॉन्ट साइज है ये भी थोड़ा छोटा छोटा है, ठीक है ना। तो H2 के अंदर जो हम लोग सब कैटेगरीज बनाएंगे वो उसको हम लोग को H3 पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ये H3 के अंदर लिखा हुआ है, सेम चीज है, ऐसे ही H3, H4, H5, H6, ऐसे H6 तक 6 टैग्स होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा भी देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी चीज़ें होगा वो सभी वो ब्रैकेट्स के अंदर होगा, वो सभी चीज़ों को एक एक टैग्स कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया H1 से लेकर H6 तक ऐसे 6 टैग्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ, अब जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड एडिटर इतना एडवांस है कि इसको पता है कि भाई इसका एक क्लोज टैग भी होता है। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली एक क्लोजिंग टैग बना रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सुपर हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं इसके नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर H2 लिखता हूँ,
ठीक है, आपको जितने सारे चीजें आपको ये पता चल रहा हो कि ये समझने में बहुत ही ज्यादा आसान है कि H1 मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फर्स्ट प्रायोरिटी वाला हेडिंग, H2 मतलब सेकेंड प्रायोरिटी वाला हेडिंग, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेकेंड हेडिंग, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर H3 तक लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा लिख के, थोड़ा मैंने स्पेस से बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने H4 भी लिख दिया, उसके बाद ये हो गया H5, और उसके बाद ये हो गया H6। ध्यान में रखना सब H6 तक ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ H7, तो भाई ये नहीं है, ठीक है। देख मतलब आप लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली ये कुछ काम का नहीं है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि H6 तक ही होता है, ठीक है, उसके बाद ये नहीं होता है। तो हम लोग इस H7 को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये कोड एडिटर ऑटोमेटिकली इसको फिनिश कर दिया, लेकिन जो टैग्स होता है वो H1 से H6 तक ही होता है। लेकिन अगर आपका H6 के बाद भी कुछ है, ठीक है, सब कैटेगरी है, तब डेफिनेटली H7 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ रैंडमली, ठीक है। थर्ड हेडिंग, और यहाँ पर है सिक्स्थ हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली ये सब कुछ सेव हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसको ये ऐसे कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली सेव हो गया। तो इसका आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, और मैंने आपको बताया कि जितने सारे चीज़ होता है वो सभी को हम लोग को इस बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो चीज़ है इसको मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा है, ठीक है ना। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेस करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको रिफ्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो आ चुका है। तो अगर मैं इसको भी रिफ्रेस करूँ तो डेफिनेटली वो सभी चीज़ें यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर वो टैग्स हम लोग को नहीं दिखेगा। जो हम लोगों ने यहाँ पर H1 लिखा था वो यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई ये चीज़ है, ये H1 के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा ज़्यादा है, जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है आप देख सकते हो वो सभी वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सिक्स हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज कितना छोटा है, ठीक है ना। तो ये हेडिंग्स, तो मान लो ये सुपर हेडिंग, इसके अंदर अगर आपको कुछ सब कैटेगरी बनाना है तो आप इस सेकंड ऑर्डर हेडिंग को इस्तेमाल करोगे H2 टैग देकर। उसका अंदर अगर आपको कुछ टॉपिक्स लिखना है तो आप थर्ड कैटेगरी मतलब H3 को इस्तेमाल करोगे। उसका अंडर पे आपको कुछ लिखना है तो आप H4 को इस्तेमाल करोगे, और ऐसे H5 एंड H6 को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई हेडिंग टैग क्या होता है। अब हम लोग आते हैं उसके बाद पैराग्राफ्स पे, ठीक है, क्योंकि भाई हेडिंग तो डाल दिया ना, अब हेडिंग का क्या करेंगे अगर हेडिंग का कुछ मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का काम में आएगा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हम लोग कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। पी टैग यहाँ पर हम लोग दबाएंगे पी, और इसके अंदर हम लोग जो चीज लिखेंगे वो सब कुछ पैराग्राफ पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हाई देयर गेट्स इट्स गैजेट गाइस, ओके। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया। अब ये जो है ये पैराग्राफ है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पर रिफ्रेस करता हूँ तो आपको वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पर आते हैं, तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब मान लो मैं एक ये आप देख सकते हो, तो ये एक लाइन का एक पैराग्राफ है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर लोरेम स्पिन करके टैग दबा देता हूँ। तो ये क्या होगा कि भाई ये आपको पता है कि लोरेम इंस्टाम जो कि मतलब सैम्पल टेक्स्ट है वो यहाँ पर दे देगा। तो मैं ऑल जेड दबा रहा हूँ, ये क्या करेगा कि वार रैप कर देगा, क्योंकि ये पीछे जा रहा था तो इसलिए इसको यहाँ पर ला के ये छोड़ दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगी आप हम लोग पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं, ये जो पूरा फाइल है मैं इस पूरा फाइल को आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा, तो आप बाद में जाकर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई टेंशन करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पैराग्राफ लिख लिया। अब मान लो कि हम लोग थोड़ा एक कोट लिखेंगे, ठीक है। मान लो किसी एक कवि का लाइन, छोटा एक कविता का लाइन, या फिर किसी एक शायरी वगैरह छोटा मोटा लिखेंगे, ठीक है। तो वो उसको कोट कहा जाता है, कोट। तो कोट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यू, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, चलो कुछ कोड वगैरह लिख, मुझे कुछ कोड पता नहीं तो मैं लोरेम ही लिखूंगा, ठीक है लोरेम 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स का एक सैंपल टेस्ट जनरेट कर देगा, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये भी आ गया, और यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो इसके आप देख सकते हो ये कोटेशन के अंदर आया, आपको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर कोट है आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्यू के अंदर हम लोग शॉर्ट कोट लिखते हैं, ठीक है, जो कि छोटा छोटा कोट होता है, ठीक है। एक लाइन का अगर आपको एक कोट लिखना है, ठीक है, किसी का मतलब बोला हुआ कुछ सेंटेंस है, ठीक है, तो आपको क्यू के अंदर लिखना पड़ेगा। अब मान लो कि भाई आप एक कविता लिख रहे हो, ठीक है, जो कि 10-20 लाइन का है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, वो तो बहुत बड़ा है ना, तो तब हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक कोड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसका नाम होता है ब्लॉक कोड। तो BLOCKQUOTE, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया छोटा सा, इसके आप देख सकते हो यहाँ पर टैग होगा, ठीक, कंट्रोल दबाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एंड नहीं हुआ है, तो मैं जब ऐसे करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो गया, ठीक है ना। तो ये है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या काम करते हैं, एक बहुत मतलब मान लो 4-5 लाइन का, जब आपका लाइंस ब्रेक हो रहा है तब ये काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो सेम ही चीज करूंगा, मैं लोरेम लिखूंगा और यहाँ पर मैं काम करूंगा, मैं 12 देके टैब दबा दूंगा, तो ये क्या हो 12 वर्ड तक सेंटेंस यहाँ पर मुझे दे देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि ये भाई कैसा दिख रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये है ब्लॉक कोड, ठीक है, आप देख सकते हो ये डिफॉल्ट में ही यहाँ पर एक जगह छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई जगह छोड़ा हुआ नहीं था, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो देखते हैं, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये डिफॉल्ट में यहाँ पर एक जगह छोड़ रहा है, तो यही होता है ब्लॉक कोड। ये जब आप ऐसे लिखोगे तो ये मतलब आपकी पेजेस की जो मार्जिन है इससे थोड़ा जाएगा छोड़ के, डिफॉल्ट में ऐसे आएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपके पास CSS का ऑप्शन है, आप इसको स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, तो वहां पर आप डेफिनेटली इसको अपने मन मुताबिक आप इसको स्टाइलिंग कर दे सकते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये तो है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा और भी सेंटेंस ऐड कर देता हूँ, चलो और भी सेंटेंस ऐड हो गया। तो यहाँ पर जब मैं इसको देख रहा था कि भाई ये पूरा एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पर ब्रेक देना है, ठीक है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ से ये दूसरे लाइन पे आए, तो भाई क्या क्या करेंगे हम यहाँ ऐसा, तो मैं तो अगर यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ तो देखते होता कि नहीं, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एंटर दबा दिया, ठीक है, अब मैं इसको कोशिश करता हूँ, देखते होता है कि नहीं, भाई काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया, कि भाई ये तो कुछ तो कोड देना पड़ेगा ना, तभी तो जाके ये समझेगा कि भाई यहाँ पर लाइन को हम लोग को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक का शॉर्ट फॉर्म क्या है, BR, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग BR टैग इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान में रखना यहाँ पर ऐसा भी कुछ टैग्स है जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर Q P, इन सभी का देखो एक स्टार्टिंग टैग है एक एंडिंग टैग है, ब्लॉक कोड का भी एक स्टार्टिंग टैग है एक एंडिंग टैग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कुछ टैग्स होता है जिसका कोई मतलब एंडिंग टैग नहीं होता है। मैं अगर यहाँ पर BR लिखूंगा ना तो आप देखो ये ब्रेक कर जाएगा, इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये ब्रेक कर गया। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई इसको स्टार्ट करना है फिर क्लोज करना है, तो अगर मैं मान लो इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग टैग दिया, पहले बार मैंने स्टार्टिंग टैग दिया था, तो तब भी भाई ये सेम ही काम करेगा, देखो सेम ही काम कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको स्टार्टिंग टैग दो एंडिंग टैग दो, ये दोनों में ही सेम ही काम करेगा, ठीक है, बट इसको हमेशा ऐसा ही रखना, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो मान लो मैं फिर से यहाँ पर एक देता हूँ, ठीक है, मुझे ये यहाँ पर एक इसको ब्रेक करना है, तो ये एंटर का कोई काम नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रख सकता हूँ, ठीक है, देखो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, और इसके अंदर भी एक मैं एक BR दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर 3 BR दिया है, तो ये तीनों ब्रेक करेगा, 3 बार ये ब्रेक करेगा, देखो यहाँ पर एक बार ब्रेक किया, यहाँ पर एक बार ब्रेक किया, यहाँ पर एक बार ब्रेक किया, 3 बार ब्रेक किया, तो 4 लाइन मुझे मिल गए, ठीक है ना। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि भाई आपको शायद ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा थोड़ा सा करके समझ में आ रहा हो कि भाई एक्चुअली में ये जो HTML है काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक कोड को देख लिया, ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं किसी और चीज के ऊपर। मान लो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग्स दिखाया था ना, तो चलो वो हेडिंग्स में ही काम करते हैं, ठीक है। तो रुको, हेडिंग्स को लेकर मैं थोड़ा और भी एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ पर एक जैसे कि आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में लिखा हो कि विजिट माय वेबसाइट, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर एच टू टैग में अंदर लिखता हूँ कि विजिट माय वेबसाइट, ठीक है। तो भाई ये तो यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है पता है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो भाई ये मेरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए है ना, तभी तो जाके मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपने वेबसाइट पर जा सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, तो अब हम लोग को एक काम करना पड़ेगा जिससे कि जब कोई इस लिखा के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हम लोग को वेबसाइट पर भी रिडायरेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर काम में आता है ए टैग, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ए टैग इस्तेमाल करूँगा, तो ए टैग कैसे होता है, बस ए एंडिंग टैग क्लोज टैग हो गया। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ पर जो मैंने लिखा था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो क्या देखते हैं कि अभी भी ये काम कर रहा है कि नहीं, काम नहीं कर रहा देखो। लेकिन हाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा क्योंकि आप एक चीज़ ने शायद नोटिस नहीं किया, अगर ये कोई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा तो भाई उसका यूआरएल भी तो देना जरूरी है ना, नहीं तो ये कहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा, मिलियंस मिलियंस वेबसाइट है, तो हम लोग को वो यूआरएल भी देना पड़ेगा। तो वो हम लोग इस ए टैग के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही सेम चीज़ को लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो एच आर ये लिख कर दिया हुआ है इसका जो सोर्स है, तो हम लोग भी यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखेंगे। तो एच आप देख सकते हो यहाँ पर सेशन भी दे रहा है एच आर ई ए। तो जब मैं इसको ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके अंदर मैं जब अपना वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा तो देखना ये हम लोग को वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया है, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ब्राउजर, ये ब्राउजर में आपका जो सेटिंग्स वगैरह हो रहता है कुछ, ब्राउजर को पता होता है कि भाई एचटीएमएल फाइल को कैसे डिस्प्ले करना होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स इस ब्राउजर के अंदर है वो वैसे दिखा रहा है, ठीक है। ये ब्राउजर टू ब्राउजर थोड़ा थोड़ा करके डिफर कर जाता है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है एचटीटीपीएस गेटवे लॉगिन। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली मुझे उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करके दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं फिर से बैक जा रहा हूँ, देखें, क्योंकि मुझे अभी उस फाइल से काम है, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी एक लिखा जो भी आप लिखा लिखा हुआ है उसके ऊपर आप ऐसे URLs वगैरह डाल के उसको क्लिकेबल बना सकते हो, ठीक है। जब भी उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब देखना मैं आपको जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना, यही सब चीज़ें अगर आप समझ गए ना तो आपका 90% चीज़ें आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए मैं जो मतलब साल में एक बार इस्तेमाल किया होता है वो मैं आपको इसमें समझा के आपका दिमाग में यहाँ पर मतलब परेशान आपका नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ अगर वो समझ लो तो भाई आपका काम हो गया। तो अब हम लोग सोचते हैं कि भाई वेबसाइट में और क्या क्या चीज़ हम लोग देखते हैं, बटन्स देखते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट पे बटन होता है कि भाई रीड मोड, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, बटन्स हुआ रहता है, ठीक है। तो बटन के लिए भाई क्या काम करेंगे, बटन ही लिख देंगे और क्या, देखो बी यू टी पी ओ एन बटन लिख दिया भाई, ये बटन क्लिक क्रिएट हो गया। तो भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये एक बटन है, देखते कि भाई बटन आया कि नहीं, बटन तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे करके। तो रिफ्रेश कर देखते हैं कि भाई हाँ भाई बटन तो आ गया, देखो बटन आ गया है भाई। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई इतना इजी है, इतना इजी कि भाई आप भूल कर मतलब अगर आपको भूलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा तभी जाके आप भूलोगे, इतना इजी है HTML, ठीक है। तो देखो बटन भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक चीज मिस कर गया ना कि भाई बटन तो क्रिएट कर दे लेकिन भाई बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या काम करें, चलो इसमें काम कर देते हैं कि बटन पे है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं गूगल लिख देते हैं, ठीक है। गो टू गूगल, ठीक है। तो शायद ये लिख देने से हम लोग शायद गूगल पर चले जाएंगे, चलो देखते हैं कि जाते हैं कि नहीं। हाँ गो टू गूगल, लेकिन भाई क्लिक हो रहा है लेकिन भाई जा नहीं रहा गूगल पे, ये बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग को इस बटन को गूगल पर रिडायरेक्ट करना है, तो ये काम कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर भी ये लगा सकते हो कि ये लगवा दिया इसके ऊपर, ठीक है। ए टैग यहीं पर खत्म हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे,
यहाँ पर हम लोग इसका क्लोजिंग टैग दे देंगे, ठीक है, ये दिया। अब इसके बगल पे हम लोग लिख देंगे एच आर ई एफ, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एच टी पी पी एस कॉलोन जी डब्लो जी ए ली डॉट इन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग को गूगल पर ले जाता है कि नहीं, नहीं ले जा रहा। तो क्यों नहीं ले जा रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती किया है, यहाँ पर मैंने एच टी पी एस लिखा है, तो यहाँ पर मुझे एक पी और देना पड़ेगा और उसके बाद इसको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा और अब ये मुझे गूगल पे लेके जाएगा। फिर से मैंने गलती किया है, मैंने यहाँ पर ये गलत लिखा है, एच टी टी पी एस होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा गलतियाँ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो ये मुझे गूगल पर लेके जाएगा, ठीक है। तो अब ये मुझे गूगल पे लेके चला गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई ये चीज़ें काम कैसे करता है, ठीक है। आप ओ एस एक्स में जो बटन वगैरह देखते हो तो वहाँ पर भी देखना कुछ, अगर उसको आप इंस्पेक्ट करते हो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा, तो आपको कुछ ऐसा ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आता है कि भाई बटन्स भी हो गया, पैराग्राफ भी हो गया, ब्लॉक कोड भी हो गया, जो मेन मेन चीज़ें था वो हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई और क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। हम लोग टेबल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे टेबल्स वगैरह भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई वो टेबल्स कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो माँ आप सोचो कि भाई टेबल्स के लिए अगर बटन के लिए बटन टैग है, तो भाई टेबल के लिए भी टेबल टैग है, सोचने बोचने का उसमें टाइम नहीं है भाई, ठीक है। तो टेबल के लिए भी टेबल टैग ही होगा। अब भाई एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि भाई जब टेबल आप लोग इस्तेमाल करें, तो भाई टेबल में कुछ क्या क्या चीज़ें होता है। एक जो सबसे ऊपर में रहता है टेबल का हेडिंग लाइन होता है, ठीक है ना। तो एक टेबल का हेडिंग लाइन हो गया, उसके बाद उसका जो बॉडी में हम लोग चीज़ें वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हो, ये तो होगा कि क्योंकि तो हम लोग वो मतलब डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई ये कौन सा टेबल का हेडिंग है, कौन सा टेबल का बॉडी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग के पास भी एक टैग है, ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ें के लिए एक टैग है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी एच ई ए डी, ठीक है, क्लोज हो गया। तो भाई इसके अंदर हम लोग जो चीज़ें लिखेंगे ना, वो टेबल का हेड का होगा। अब ये जो टैग है ये बताता है कि भाई इसके अंदर जो चीज़ होगा वो टेबल का हेड होगा, लेकिन टेबल के हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होगा उसके लिए भी एक अलग टैग है, उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा टी एच, ठीक है। तो अब मैं इसमें लिखता हूँ कि मान लो क्या लिखेंगे, नंबर लिखते हैं, ठीक है, चलो नंबर को छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पर नेम कर देता हूँ, नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा और एक और टी एच बनाऊंगा जहाँ पर मैं लिखूंगा एज, ठीक है। तो भाई ये मेरा टेबल का हेड तो हो गया, मतलब ऊपर का जो लाइन होता है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा टी बॉडी, क्योंकि भाई मुझे बॉडी पे भी कुछ तो लिखना है, ठीक है। तो जब बॉडी लिखोगे तब भाई क्या आएगा, तो वहाँ पर हम लोग को कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि भाई नेम क्या है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के लिए होगा टेबल डिस्क्रिप्शन, मतलब टी डी। इतना इजी है, आप बस समझते जाओ कितना इजी है। तो भाई नेम के लिए क्या होगा, मान लो मैं देखता हूँ कि मेरा नाम दे देता हूँ जीत, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक गलती किया है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर फिर से एक टी डी दे देता हूँ, ठीक है, टी डी, और मेरा यहाँ पर एज है 18 करता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन कर देखता हूँ कि भाई दिख कैसा रही है, तो चलो देखते हैं। देखो ये भाई सही से दिखा रही है, ठीक है ना, नेम एज, नेम के नीचे ये एज के नीचे एज दिखा रही है। तो मान लो अब मैं फिर से यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई इसके नीचे भी एक और रो हो जहाँ पर मैं किसी एक और नाम को ऐड करूँ और उसका भी एज दिखे। तो भाई वो कैसा होगा कि मान लो अब मैं अगर इसके नीचे ही बस टी डी ऐड करता जाऊँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्नेहेश, और इसके नीचे भी मैं एक टी डी ऐड कर देता हूँ, तो चलो देखते कि भाई आप ये कैसा दिखा रही है। भाई अब तो ये बगल पे आ गया, मुझे तो भाई इसके नीचे चाहिए था, लेकिन भाई जब मैंने इसको पहली बार लिखा था तब तो ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, अब ये काम नहीं कर रहा। तो भाई अब वक्त आता है कि भाई आपको बॉडी के अंदर ना एक रो बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये काम क्या करेगा कि भाई इसको एक रो पे रखेगा, इसको अलग रो पे रखेगा। तो हम लोग को वो रो बनाना है, मतलब टेबल रो बनाना है। टेबल डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख रहे थे टी डी करके, टेबल का हेड भी लिख दिए थे टी एच करके, तो भाई टेबल रो भी हम लोग लिख देंगे टी आर लिख के, ठीक है, बहुत इजी है।
और ये जो पहले वाला चीजें मैंने यहाँ पर लिखा था ना, इसको मैं कट करके इस रो के अंदर घुसा दूंगा। आ गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर भी, मतलब मुझे एक और भी रो बनाना है ना, तो मैं इसके अंदर भी एक टी आर ऐड करूंगा, टेबल रो ऐड कर दूंगा। और ये जो भाई साहब है सेकेंड वाले चीज को, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा। चलो डाल दिया। अब देखते कि भाई वो सही हुआ कि नहीं। देखो सही हो गया। क्या बोल रहा था, रो क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके सही होगा, तो भाई हो गया। तो अब ऐसे अगर आपको मल्टीपल रो में टेबल का कुछ डेटास को ऐड करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से टेबल रो बना के ऐड करना पड़ेगा। एक सिंगल लाइन के लिए तो आप टेबल शायद बनाओगे नहीं ना, तो ऐसे काम होता है। ठीक है, अब मान लो एक चीज कि यहाँ पर एक और भी चीजें होता है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। उस चीज को समझने के लिए आपको एक दूसरे कैटेगरी का चीज जानना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं ना कि फोटोज, मतलब चार पांच फोटो को लेके एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि मान लो ये जो टेबल है उसके बाद ऊपर जो बटन है, ठीक है, मैं उसके ऊपर जो ये जो विजिट माई वेबसाइट लिखा हुआ है, तो मैं इन तीनों चीजों को लेकर एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो कोड पे आता है, तो ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर ये जो बटन है और ये जो विजिट माई वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों को लेकर मैं एक ग्रुप बना लूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रुप मैं कैसे बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक ग्रुप बन जाए। ठीक है, तो मान लो क्या होगा कि अगर मैं इसको ग्रुप बनाता हूँ, जब मैं कोई स्टाइलिंग्स वगैरह ऐड करूंगा, तो भाई मैं इसको सिर्फ उस ग्रुप के लिए स्टाइल बनाऊंगा, और क्योंकि ये सभी उस सेम ग्रुप के अंदर होगा, तो भाई सभी के वो सेम स्टाइल लग जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मान लो इन तीनों को मैं ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं ग्रुप कैसे बनाऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को एक डिविजन बनाना पड़ता है। डिविजन का मतलब क्या है कि एक स्पेशल एरिया, ठीक है, स्पेशल एरिया डिविजन का मतलब वही होता है। ठीक है ना, तो उस डिविजन के अंदर हम लोग को इस चीज को डालना पड़ेगा। अब डिविजन का भाई शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डिव, डी आई भी, ठीक है, ये डिविजन का शॉर्ट फॉर्म। इतना आसान है, ठीक है, यहाँ पर कोडिंग करना, देखो सुनो। तो यहाँ पर इसका एंडिंग टैग यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिकली, लेकिन भाई हम लोग को इसका एंडिंग टैग यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो डिविजन बना रहे हैं ना, हम लोग इसको, इसको और इस टेबल को, तीनों को एक साथ रख के हम लोग अपना डिविजन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं ऐसे करूंगा और ये ऑटोमेटिकली डिव को कंप्लीट कर देगा। तो अब देखो यहाँ पर आपको कोई चेंजेस देखने को मिलता है कि नहीं। सॉरी, ये मुझे मेरा वहां पर क्लिक हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये बेसिकली एक CSS प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, क्योंकि मैंने इन तीनों को एक साथ ग्रुप कर दिया डिविजन के अंदर, तो जब मैं इस डिविजन को कुछ बोलूंगा कि भाई डिविजन तुम ऐसे दिखोगे, ठीक है, तो ये तीनों एक साथ वैसा दिखेगा। तो यहाँ पर एक मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है, ये मेरा सेंटर पे आए, ठीक है ना, सेंटर पे दिखे, तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम सभी लोग ना सेंटर पे अलाइन हो जाओ। ठीक है, नहीं तो भाई मतलब यहाँ पर नहीं रहना, तुम लोग को सेंटर पे अलाइन होना। तो भाई मैं इसको वही बोलूंगा कि भाई देखो बहुत हो गया, अब तुम लोग अलाइन हो जाओ सेंटर पे। ठीक है, तो मैं इसको वही बोल दिया। तो अब देखते कि भाई ये मेरा कहना मानता है कि नहीं, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, तो देख लेते हैं। तो देखो भाई ये सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बताया था कि भाई इसको सेंटर पे अलाइन कर दो, तो भाई ये सेंटर पे आ गया है। तो भाई हम लोग ने अभी यहाँ पर टेबल भी कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग ने सीख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग को और भी कुछ सीखना है, जैसे कि मान लो अब हम लोग टेबल तो सीख लिए हैं, अब मान लो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट सीखेंगे। ठीक है, जो कि वर्डप्रेस में कुछ ब्लॉक्स वगैरह होता है तो वहाँ पर इस्तेमाल किया होता है, लेकिन अब जो मतलब नॉर्मली काम करो ना, तब ये डीएल उतना काम पे नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अब इसको हम लोग इसके बाद में करेंगे, तो देखेंगे कि ये जो ग्रुप के बाद में कर रहे हैं ना, तो ग्रुप का स्टाइल यहाँ पर आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम लोग, एक डिस्क्रिप्शन टेबल ऐड करेंगे। मतलब क्या होगा कि मान लो यहाँ पर हम लोग ने लिखे कि भाई ये कॉफी, तो भाई ये इस पे उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर देंगे। ठीक है, फ्लावर लिखेंगे उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन क्या ऐड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है DL। ठीक है, बहुत ईजी है। और यहाँ पर मेरा कैप्स लॉक दबा हुआ है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो HTML है वो कैप्स में भी काम करता है, स्मॉल में भी काम करता है, लेकिन मैं स्मॉल में लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा DL। ठीक है,
अब डीएल के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा जो इसका हेडिंग होता है, तो हेडिंग को हम लोग लिखेंगे डीटी, ठीक है। तो और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि कॉफी COFFEE। और अगर जब मैंने इसको बताया था कि इसकी मतलब ये होगा इसका हेडिंग, और इसको इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, तो वो होगा DD, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इट्स ए ड्रिंकेबल थिंग, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लोग फिर से एक दूसरा चीज को ऐड करेंगे, तो मान लो फिर से डीडी के अंदर हम लोग लिखते हैं तो फ्लावर, और इसका डिस्क्रिप्शन पे हम लोग लिखेंगे डीडी, लिखेंगे इट स्वीट, ओके। तो चलो देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का बाय डिफॉल्ट हम लोग को दिखता है। ये इसका हेडिंग है जिसके बारे में हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, ये आपका उतना ज्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग वर्डप्रेस में काम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ब्लॉक में ये वगैरह इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने आपको इसको इनपुट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, तो अब हम लोग बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर बुलेटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर बुलेटिंग किया हुआ है, तो भाई इसका कोई ऑर्डर नहीं है प्रॉपरली, ठीक। क्योंकि बुलेट देख के आप क्या बता सकते हो कि भाई ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकेंड हेडिंग है। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई 1, 2, 3, 4 या फिर रोमन स्क्रिप्ट पे लिखता है, तो भाई वो उसको पता आ रहा है कि ना भाई ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। जहाँ पर बुलेटिंग किया हुआ रहता है उसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, H2 के अंदर लिख देता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट, ORDER LIST, ठीक है। और उसके अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ पहले। तो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने के लिए उसका क्या टैग होना चाहिए? ऑर्डर लिस्ट OL, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम इतना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ऑर्डर लिस्ट लिस्ट आइटम, तो मैं यहाँ पर एनिमल्स का कुछ लिस्ट बना देता हूँ, चलो LI, ठीक है। उसके बाद फिर से एक LI लिखते हैं, कैट लिख देते हैं, उसके बाद एक और लिखते हैं LI, डॉग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब, ये है ऑर्डर लिस्ट। तो देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कैसा दिखता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी ये पर्टिकुलर ऑर्डर पे होता है, इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसा करके दिखाएगा। और ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर यहाँ से बस इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट UM, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, तो भाई इसका जो स्टार्टिंग टैग होगा वो बस UL होगा, ठीक है। मैं क्या क्या, बस ऑर्डर लिस्ट का OL था और इसका UL होगा, ठीक है। अब इसको और इसको थोड़ा कंपेयर कर लो, ठीक है। ये UL है और ये OL है, बाकी सभी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो मैं अब देखूंगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। जैसे अब आप देखो, बस डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर 1, 2, 3 था, यहाँ पर बस बुलेट्स आ गया, ठीक है। इसलिए इसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर पे है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, बुलेटिंग पे है, ठीक है ना। इसलिए इसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट जान लिए, अनऑर्डर लिस्ट जान लिए, ठीक है। तो अब मान लो कि ये जो पेज है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है, अमेजोन के वेबसाइट पे। तो मान लो ये जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज को मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ये इस इमेज को अपने वेबसाइट में इम्बिट करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको इसके URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसके URL बहुत बड़ा URL है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसके नीचे ना वो ये वाला इमेज दिखे, तो मैं क्या काम करूँगा इमेज दिखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इतना सारा कोड लिखा था, तो मैं रिफ्रेश करते देखो सभी कोड इस यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इस मतलब व्यू सोर्स कोड की मदद से राइट क्लिक करके आप किसी भी वेबसाइट के ऐसे सोर्स कोड देख सकते हो, ठीक है। तो फिर से हम लोग कोड एडिट पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग, मैं आपको बता रहा था कि भाई मैं एक इमेज को ऐड करूंगा, ठीक है। तो
तो इमेज का शॉर्ट फॉर्म होता है IMG, ठीक है। तो इसलिए इमेज का अगर आपको किसी भी एक इमेज को ऐड करना है तो उसके लिए आपको ये IMG टैग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इमेज का बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे कि मान लो टाइटल होता है, ठीक है, तो TI टाइटल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ब्लॉगर्स वगैरह होता है, ठीक है, उन लोग को पता हो कि भाई ऑल्ट टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि इमेज के बारे में बताती है कुछ, तो ऑल्ट भी हो गया। अब भाई टाइटल दे दिया, ऑल्ट दे दिया, अब तो भाई इसका सोर्स भी तो देना पड़ेगा। अगर मैं ये ना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बस लिख दूँ कि Amazon इमेज और टाइटल पर लिख देता हूँ। टाइटल क्या काम करते हैं कि जब मान लो आपका इमेज लोड नहीं ले रहा है, ठीक है, तो वो दिखाता है कि भाई Amazon प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर मैंने कोई इमेज ऐड नहीं किया है, बस इमेज यहाँ पर लिख के रखा है और छोड़ दिया। और ये भी ध्यान में रखना कि इमेज टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको बस ओपन करूँगा, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली कोई इमेज नहीं दिखेगा, सॉरी मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना था, डेफिनेटली यहाँ पर कोई इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन इसका जो ऑल टैग है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। यही बेसिकली ऑल टैग का काम होता है। और जब मैं इस इमेज के ऊपर अपना माउस को लेकर छोड़ दूंगा, तब मुझे इसके नीचे इसका प्रोडक्ट इमेज दिखेगा, मतलब ये जो मतलब चीज़ है, इसका जो टाइटल है वो यहाँ पर मुझे शो करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये SEO पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये चीज़ है, ये ऑल्ट एंड टाइटल टैग, ये इमेज के बारे में बताती है हम लोग को। मान लो किसी का इंटरनेट बहुत स्लो है, उसको इमेज लोड ही नहीं ले रहा, तब उसको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को तो भाई इसका सोर्स भी देना पड़ेगा, भाई सोर्स कहाँ से है। तो भाई सोर्स तो हम लोगों ने कॉपी किया था, इतना बड़ा सोर्स था। तो अब हम लोग इसको थोड़ा एक बार ओपन करके देखते कि भाई इमेज आया कि नहीं। देखो भाई इमेज भी आ गया। और बिल्कुल इसी तरीके से अब हर किसी वेबसाइट में इमेज लगवा सकते हो, और हर किसी वेबसाइट में ऐसे ही इमेज लगवाया जाता है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट में आप इस पर क्लेम करके देख सकते हो कि उसका जहाँ पर भी इमेज लगा हुआ है वहाँ पर कुछ ऐसा इमेज टैग भी होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जान लिया कि भाई इमेज कैसे लगाते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब हम लोग मानते हैं कि किसी एक चीज़ को एम्बिट करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप इंस्टाग्राम की चीज़ों को एम्बिट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली एम्बिट क्या होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एम्बिट करते हो, ठीक है। तो जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे ना, तब आप एम्बिट को बहुत इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट के एकदम कोर वेब डेवलपमेंट में नहीं जा रहे हो, तो भाई आप एम्बिट टैग का बहुत ही कम इस्तेमाल करोगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो जो चाहता है कि भाई मतलब एकदम प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट करेंगे बाद में, तो वो लोग शायद एम्बिट टैग को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये एम्बिट टैग क्या होता है, ये किसी भी मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट से कुछ चीज़ों को लेकर एम्बिट कर देता है, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पर भी वही सेम ही काम करूँगा। क्या काम करूँगा मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने इस वाले पे वो इमेज को मतलब शो किया था, तो बेसिकली यहाँ पर भी मैं इसी इमेज को यहाँ पर शो करवाऊँगा, बस एम्बिट करके, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिट तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, मान लो किसी भी एक जगह से आप ऑडियो को भी एम्बिट कर सकते हो, वीडियो को, यूट्यूब वीडियो भी एम्बिट होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि भाई ये जो है ना, ये एक इमेज है, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं यहाँ पर टाइप इस्तेमाल करूँगा। टाइप क्या काम करती है, इसको बताते कि भाई तुम क्या जिसको एम्बिट करने वाले हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे इमेज, या फिर मैं यहाँ पर JPG फाइल को भी एम्बिट करूँगा शायद, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसका टाइप बता दिया। अब मुझे यहाँ पर इसका सोर्स बतानी है कि भाई कहाँ से एम्बिट करेंगे इसको। तुमने तो टाइप बता दिया कि भाई इमेज एम्बिट करना है, तो भाई अब इसका सोर्स भी बता दो कि भाई यहाँ से एम्बिट कर ले। तो यहाँ पर मैंने इसका सोर्स, इसको सोर्स भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा ना, तो आप देखना कि भाई इसके नीचे एक और इमेज ऐड हो गया। देखो देखो, एक और इमेज यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये दोनों इमेज एक के बाद एक ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई लाइन ब्रेक नहीं लगाया था। तो मैं यहाँ पर अगर एक लाइन ब्रेक लगा दूंगा BR, तो आप देखना कि ये एक के नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर लाइन ब्रेक ऐड कर दिया, तो ब्रेक लगाने से आपका ये नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको नहीं चाहते हो तो आप इसको हटा भी सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर रखता हूँ। तब मान लो कि मुझे इसको 100x100 पे चाहिए, मतलब ये जो सेकंड वाला जो इमेज है, ठीक है, इसको मुझे 100x100, मतलब इसका विथ भी 100 होगा, हाइट भी 100 होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, विथ हम लोग को 100 पिक्सल चाहिए और हाइट भी 100 पिक्सल ही चाहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बस वही बताऊँगा, भाई देखो भाई मुझे विथ जो है ये 100 पिक्सल का चाहिए, PX होता है पिक्सल का शॉर्ट फॉर्म। और इसके बाद बता दूँगा कि भाई ये इसका जो हाइट है वो भी मुझे 100 पिक्सल का ही चाहिए, सॉरी यहाँ पर मैंने हिडन लिख दिया,
ये मतलब इसको हाइड कर देगा। ठीक, तो मैं अभी इसको इसका हाइट दूंगा यहाँ पर 100 पिक्सल। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा, देखो ये इसको रिसाइज कर देगा 100 × 100 पिक्सल पे, छोटा हो गया ना। तो बेसिकली यही काम होता है। ठीक है, इमिट करने के बाद आप एक ही टैग के अंदर ये सभी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो। बेसिकली आप इमेज के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन इमिट भी बहुत मतलब यहाँ पर आप इमेज टैग को लेकर आप सब इमेज ही एडिट मतलब ये मतलब लगवा सकते हो, लेकिन इमिट को इस्तेमाल करके आप इमेज ऑडियो वीडियो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लगवा सकते हो। ठीक है, तो इतना सब कुछ तो हो गया। अब हम लोग को एक आखिरी चीज सीखना है, और मुझे लगता है कि इस चीज को सीखने के बाद हम लोग का आज का HTML कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो ना, आपने देखे होंगे कि भाई वेबसाइट के नीचे एक चीज रहता है जिसको कहते हैं हम लोग फुटर। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहाँ पर फुटर भी बनाएंगे और देखेंगे कि भाई ये फुटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो एक फुटर भी बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर फुटर बनाएंगे, तो फुटर के लिए हेडर के लिए भाई हेडर टैग इस्तेमाल करते, तो भाई फुटर के लिए इतना सोच क्यों रहे हैं हम लोग, फुटर ही इस्तेमाल करेंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई HTML सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें आपको उतना ज़्यादा कुछ चीज़ों को मतलब उतना रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ पैराग्राफ लिख देंगे। ठीक है, कॉपी राइट 2020 लिख देते हैं, गैजेट गाइस ऑल जैसे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब जब इसको आप ओपन करोगे तब आप देखना कि ये तो आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर दो चार टैग्स मैं आपको यहाँ पर अभी शो करवाऊंगा। मतलब एक होता है ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी चीज़ें मिस हो गया मेरे से, तो मैं उसको भी यहाँ पर अभी इंक्लूड कर दूंगा। तो मान लो ये जो है गैजेट का, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसके आगे मैं बी ऐड कर दूंगा, बी से बोल्ड होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया बोल्ड। मैं इसका क्लोजिंग टैग इसके पीछे डाल दूंगा, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तब देखना गैजेट गाइस बोल्ड हो गया। ठीक है, तो अब मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है। तो अंडरलाइन के लिए हम लोग इसको यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड के लिए बोल्ड कर रहे हैं, तो अंडरलाइन के लिए भी हम लोग यहाँ पर यू का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन करते देखते कि यहाँ पर अंडरलाइन आया कि नहीं, जिसका देख सकते यहाँ पर अंडरलाइन भी आ गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये इटैलिक भी हो, तो बहुत ही सिंपल है। अब तो आप शायद बोर हो रहे होंगे कि भाई क्या हो रहा है, इतना इजी है, अब ट्यूटोरियल को देखने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, इतना इजी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इटली। ठीक है, तो अब मान लो कि आपने मैक्सिमम वेबसाइट पे देखे होंगे कि भाई यहाँ पर क्लिक करने से ये होम पेज पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन भाई ये तो अभी एक पैराग्राफ के अंदर है, तो भाई हम लोग इसको मतलब कैसे करेंगे अभी ये? तो यहाँ पर भी एक काम होता है। ठीक है, आप यहाँ पर स्पैन इस्तेमाल कर सकते हो, स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या काम करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर कुछ काम करवाना है आपको, तो आप वहाँ पर स्पैन टैग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो भाई आप यहाँ पर ए टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ए टैग का भी इस्तेमाल करूँगा तो वो भी सेम काम ही करेगा। यहाँ पर मान लो मैं फिर से वही लिख रहा हूँ, HREF तो देखो यहाँ पर ये रेड हो गया, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि क्या हुआ इसका, तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन को हटा दिया था। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये इटैलिक भी हो चुका है, अंडरलाइन भी है, बोल्ड भी है, उसके ऊपर हाइपरलिंक भी हो चुका है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि ये हाइपरलिंक भी हो चुका है गाइस। ठीक है, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, और इसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा कि भाई हम लोग इस सभी चीज़ों को स्टाइलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो चीज़ है ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको CSS से स्टाइलिंग करेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे कवर करेंगे, क्योंकि ये आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसको स्टाइलिंग कैसे करेंगे। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, जहाँ पर हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन लुक देंगे और आपको ये दिखने में सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और CSS का जो बेसिक फंडा है वो मैं आपको उस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा, और वो भी जान के आपको, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको बेहतर तो फील होगा ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आपको डेफिनेटली वो वाला ट्यूटोरियल भी अच्छा लगेगा।